हेलो गाइज, वेलकम टू एटी प्यूजन। माई सेल्फ ऋषिराज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नए टॉपिक। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? मतलब टॉपिक छोटा है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि जो कंपाउंड प्योर और इम्प्योर होते हैं उसके अंदर बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है? अगर कोई कंपाउंड प्योर है तो उसके अंदर बॉन्ड कैसे टूटेगा जब उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर कोई कंपाउंड इम्प्योर है तो उसके अंदर बॉन्ड को हम कैसे तोड़ते हैं, तो इसी के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेटेस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कुछ कंडीशन होता है, ठीक है? हमने प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं इस पे प्योर और इम्प्योर कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर कंपाउंड प्योर है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड प्योर है, प्योर कंपाउंड है, ठीक है? और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगर कोई कंपाउंड इम्प्योर है, इम्प्योर कंपाउंड है। एक तो कंपाउंड प्योर है और एक कंपाउंड इम्प्योर है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप ए लगा हुआ है और इसके साथ ए ग्रुप भी है। मतलब इस कार्बन के साथ एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। उसी तरह से देखते हैं इम्प्योर के अंदर, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है। इस कार्बन पे एक ग्रुप ए लगा दिए और सेकेंड ग्रुप बी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक कंपाउंड प्योर है और एक कंपाउंड इम्प्योर है, ठीक है, तो इसके अंदर बॉन्ड को हम कैसे तोड़ते हैं। मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं और इसकी भी रिएक्शन अगर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, तो हम कैसे रिएक्ट करा सकते थे, कैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो इसके लिए देखो सिंपल तरीके हैं बॉन्ड को हम कैसे तोड़ते हैं। जब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे अगर सपोज यहाँ पे ऐसे कंपाउंड लिखा है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप ए है और यहाँ पे बी है। जब हम इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे डेल माइनस होते हैं और कार्बन पे डेल प्लस होते हैं। जैसे ही कार्बन पे डेल प्लस आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करता है और कार्बन पे अटैक करने के बाद यहाँ से बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक होता है। तो ये तो पहला मेथड था। अब इसका सेकेंड मेथड में कैसे हम तोड़ते हैं बॉन्ड को वो देखो। एक कंपाउंड सपोज मान लीजिए प्योर है, ठीक है, एक कंपाउंड सपोज मानते हैं प्योर है, तो अगर कोई कंपाउंड प्योर होता है तो उसके अंदर बॉन्ड हमेशा टूटता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। मतलब यहाँ पे अगर कंपाउंड प्योर है तो ए बॉन्ड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन के बीच टूटेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर ग्रुप एक ए है और इसके ऊपर ग्रुप बी है। तो अगर कंपाउंड प्योर होता है तो हमेशा बॉन्ड को तोड़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन में, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं अगर कंपाउंड कोई इम्प्योर है, सपोज मानते हैं एक कंपाउंड इम्प्योर है, किसके कारण? अगर मानते हैं कि एक कंपाउंड इम्प्योर है, ठीक है, ड्यू टू ग्रुप बी। किसके कारण? बी के कारण। यहाँ पे ग्रुप बी है, इसके कारण ये कंपाउंड कैसा है, इम्प्योर है। तो जिस ग्रुप के कारण कंपाउंड इम्प्योर होता है वहां से कार्बन और इस ग्रुप के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसके बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर किसके कारण है, बी ग्रुप के कारण। तो ये जो कार्बन है और यहाँ पे जो ग्रुप पी है, ये दोनों के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं। जैसे ही बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म बनेगा, यहाँ पे ए ग्रुप है और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ से बनेगा बी माइनस। मतलब बॉन्ड तोड़ने का नया रूल्स, ठीक है, नया तरीका। पहले बॉन्ड को हम तोड़ते थे डिफरेंट तरीके से, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करना है, मतलब कम टाइम में, कम समय में क्वेश्चन को करना है, तो सिंपल तरीके चेक करना है कि अगर कंपाउंड इम्प्योर है तो जिस ग्रुप के कारण इम्प्योर होता है उसके बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया।
अगर सपोज मानते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड एम्प्योर बी के कारण है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच, सॉरी कार्बन और ए के बीच यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। पहले क्या था, बी के कारण एम्प्योर था, तो कार्बन और बी के बीच बॉन्ड टूटा था। अब यहाँ पे अगर ए के कारण कंपाउंड एम्प्योर है, तो यहाँ पे कार्बन और ए के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा सी, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, और इस कार्बन पे ग्रुप रहेगा बी, और यहाँ से बनेगा ए माइनस, ठीक है। तो जिसके कारण कंपाउंड एम्प्योर होता है, जिस ग्रुप के कारण एम्प्योर होता है, उसके बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।